मैं आपको सच बात बता रही हूँ, रात में ना एक्चुअली मयंक दिल्ली में नहीं था। ये आपको मेरी तरफ से थैंक यू। टॉप से पता है, सुना है कि पूरा दिल्ली का नजारा अलग अलग दिखता है। हैप्पी बर्थडे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाट्यूबर। तो अभी हालत देख के पता ही चल रहा होगा कितनी बुरी नींद आ रही है। जैसे कि आज 1 अक्टूबर, जैसे जो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करते होंगे उन्हें पता ही होगा कि मैं धर्मशाला ट्रिप पे गया हुआ था और वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह की थी। हालत बहुत बुरी हो गई थी, थक के बुरी हालत हो गई थी। मैं गया था 26 को गया था मैं धर्मशाला और आज सुबह 3 बजे ही हम दिल्ली आए हैं। 3 बजे 3:30 बजे तक मैं अपना बैग एंड पैक वगैरह करके सो गया। शायद वो व्लॉग आपको बाद में मिलेगा इस वीडियो के, क्योंकि मेरे साथ मेरे मामा का लड़का था। अब ट्रैकिंग की जो वीडियोस थी वो ना एक्चुअली हमने उसके फ़ोन से शूट की थी। मेरे 10 आँख खुली तो इतने मेरे मामा का लड़का जा चुका था और जो कि उसके फ़ोन में वीडियोस है। तो शायद ये व्लॉग आपको पहले मिल सकता है। तो आज मैं शूट कर रहा हूँ 1 अक्टूबर। सुबह के बज चुके हैं 9:30। नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है, थकान बॉडी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, आज एनिवर्सरी हमारी। तो आज जैसे कि 1 अक्टूबर और आज है हमारी एनिवर्सरी इन द सेंस कि आज 1 अक्टूबर 2014 को हम फर्स्ट टाइम मिले थे। फर्स्ट टाइम मैंने उसे देखा था, फर्स्ट टाइम शाय को मैंने फर्स्ट टाइम 1 अक्टूबर को ही देखा था सुबह के 9:15 बजे। तो इसको एज अ एनिवर्सरी मतलब मिलने की डेट मान लो, कुछ भी मान लो, हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। यार कल रात को मेरे से एक गलती हो गई। कल रात को एक बहुत गलती तो नहीं हुई यार, बाय मिस्टेक गलती हो गई कि मैं ना ड्राइव कर रहा था धर्मशाला से। मैं ड्राइव करते हुआ था मस्त तरीके से और मैंने भाई को गाड़ी दे दी। 11:30 दे दी, वो भी पानीपत के पास। मैंने भाई को गाड़ी दे दी, भाई अब तो चलाने में वो थोड़ी देर थकान आ रही है और शायद को कॉल वॉल करना है तो मैं आराम से साइड में बैठूंगा। मैंने भाई को गाड़ी दी चलाने के लिए 11:30 बजे और 11:30 बजे गलती से मेरी लग गई आँख। और भाई लड़कियों का तो होता है कि 12 बजे आपका विश नहीं आया तो आपकी हालत बुरी हो जानी है। अब आप समझ सकते हो। और शायद का कॉल आया 12:30 बजे और मैं आराम से मस्त खराटा लेके गाड़ी में सो रहा हूँ। वो गलती से लग गई आँख और भाई शायद थोड़ा सा हो गई नाराज़। तो भाई बुरा तो लगता ही है कि एक तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उससे लगा मैं दोस्त के साथ मजे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और भूल गया, ये डेट भूल गया अपनी सबसे मेन डेट। नहीं यार, वो फिर वो समझ गई कि हाँ ये थका हुआ है और ये गाड़ी चला के आया है, गाड़ी चला रहा था और ये थक चुका है। वो उसने ऐसा कोई गुस्सा नहीं किया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुई थी गुस्सा कि माइक तुम्हें टाइम देखा क्या हो रहा है। मैंने कहा हाँ 11:30 तो बज रहे। मुझे ऐसा लगा मैंने अभी भी आँख बंद की है और जैसे आँख खुली मैंने कहा 11:30 बज रहे, 12:30 बज रहे। फिर वो पर उसने ऐसा कुछ नहीं रिएक्ट किया। तो अब चलते हैं रेडी होने के लिए। रेडी होकर मैंने शाय के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी लिया है जो कि उसे ज़रूरत भी थी। और बाकी अब एक मैंने शाय के लिए थोड़ा सरप्राइज़ बुक किया क्योंकि शाय हमेशा से वहाँ पे जाना चाहती थी। तो मैंने वहाँ पे 2 बंदों के लिए टेबल भी बुक कर रखी है। अभी सब चीज़ आप बता दूँ तो व्लॉग में कुछ बचेगा नहीं देखने के लिए, तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए। बहुत प्यारा व्लॉग है। ये डेट मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। तो जैसे कि मुझे भाई ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बहुत पसंद मुझे ट्रैवलिंग। मुझे ये है कि भाई मतलब हर 2 महीने में मुझे एक बार घूमने जाना ही जाना है कहीं पर ट्रिप पे। और मुझे कार से ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और ट्रैकिंग वगैरह एडवेंचर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर इसमें मेरे बालों को बहुत डैमेज मिलता है, बहुत डैमेज होता है। क्योंकि आपका जैसे कि आपका पानी चेंज होता है, आपका वेदर चेंज होता है, आप एडवेंचर करते हो, धूल मिट्टी बालों को बहुत ख़राब करती है। और बालों से है मुझे बहुत प्यार। तो बालों के लिए मुझे शाय ने रिकमेंड किया था कि ऐसे अगर ट्रैवलिंग करते हो आपके बाल बहुत डैमेज होते हैं तो उसके लिए मुझे शाय ने रिकमेंड किया था मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल। सो देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन अनियन रेंज लाइक अनियन शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल एंड हेयर मास्क। इस हेयर ऑयल में आपको सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, भृंगराज ऑयल, आंवला ऑयल एक्सट्रैक्ट्स, ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट्स, अनियन एक्सट्रैक्ट्स और ऐसे कई चीज़ें मिलती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत बहुत हेल्दी हैं। तो दिस हेयर ऑयल इज़ मेड अप ऑफ रियल अनियन एक्सट्रैक्ट विच प्रिजर्व द गुडनेस ऑफ अनियन। तो आपको ये बालों के लिए बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा, आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी इसके अंदर। ये हेयर ऑयल आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है और ये हर तरह के बाल, हर तरह के हेयर्स और हर तरह के स्कैल्प के लिए सूटेबल है। इसके साथ आपको ना कि ऊपर कोम मिलता है, देख रहे हो जैसे मैंने कोम लगा दी। इसके ऊपर बस आपको कैप हटाना और ये अनियन का कैप स्क्रू कर देना है। आप इसको डायरेक्टली अपने स्काल पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको ये डायरेक्ट आपकी जड़ों पे ऑयल लगेगा और इसके अंदर आपको जीरो वेस्टेज नहीं होगी। वो हाथ वाथ गंदे करने वाला कोई सीन नहीं है। डायरेक्ट आप इसे जड़ों पे लगाइए और बहुत आपको इस कैप को इस पर लगाना है और आपको उसको डायरेक्टली अपने रूट्स पे अप्लाई करना है। तो पहली बात तो ये प्रोडक्ट एक इंडियन प्रोडक्ट है तो हैशटैग वोकल फॉर लोकल। Mama Earth is all about goodness inside, not just only goodness inside but also inside the values it stands for, like no animal cruelty and also PETA certified, जो बहुत अच्छी बात है. एंड ग्रैंड सल्यूट टू मामा अर्थ की ये रिसाइकल प्लास्टिक्स मोर देन दे यूज़. तो जितना ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक को. एंड इट्स टॉक्सिन फ्री. इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल एडेड नहीं होता है. जो भी ये यूज़ करते हैं वो सारे सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं. तो गाइज़ अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे. आपको ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल जाएगा. आपको प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन आपको लिंक भी मिल जाएंगे. पर अगर आप इसे मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे आप मेरा कोड मासा 2020 MASA 2020 अप्लाई करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इनकी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे. तो गाइज अगर आपको ऑर्डर करना है गो एंड ऑर्डर नाउ. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. और अब चलते हैं, रेडी होते हैं और शाय के पास चलते हैं. मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ. मिलते हैं शाय को पिक करने के बाद. हमेशा की तरह मैं मयंक का वेट कर रही हूँ. आ गया, फाइनली आ गया. हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्या है? कुछ नहीं है, मेरी चीज है. वो कह रहा हूँ एट लास्ट हमने 6 साल किसी को झेल लिया. क्या बोला? क्या बोला? हम 6 साल से किसी को झेल रहे. कॉन्ग्रेचुलेशंस. झेल रहे हैं? नहीं, तुम मुझे झेल रहे हो यार. मैं तुम्हें झेल रही हूँ. और तुम मुझे पता है जहाँ पे अभी शायद मेरे को मिली है. एग्जैक्टली इत्तेफाक है. शायद हॉस्पिटल दूर रहती है अभी. इत्तेफाक ये काम से आज उसी जगह पे मेरे को एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मिल रही है. ध्यान ही नहीं आया उसी फोटो जहाँ पे पहली बार इसी दिन 6 साल पहले 9:15 पे मुझे मिली थी. बेल्ट लगा लो. इतनी सुबह आ गई. मास्क आपका अच्छा लगा रखा? लगा लो बेल्ट. पिछले पहले आराम से लगा लो. ओके, मुझे सच में नहीं पता था. मैं सेम उसी जगह पे आ गई इत्तेफाक से. देख लो. थोड़ा सा हल्का सा 100 कदम मुश्किल से 20 कदम आगे खड़ी थी. मैं फुटओवर से उस दिन उतरी थी जिस दिन मैं मिली थी मयंक से. और आज फुटओवर के आगे खड़ी हुई. ब्लैक सूट, ऑरेंज पटियाला सलवार. पटियाला नहीं था पागल. थोड़ी फुली जो होती है. फुली हुई नहीं थी वो. पैंट पहनी थी मैंने पागल. ऑरेंज थी और आपका ब्लैक टॉप था. ऑरेंज लिपस्टिक और ब्लैक बोल्ड काजल. क्या था? काजल. अच्छी लग रही थी मैं. तो वैसे पटोला टाइप्स. इतनी बेकार लग रही थी मैं. को तब मेकअप के बारे में हम भी नहीं पता था. बस काजल लगाना पता था. ऑलराइट यू गाइस, फाइनली मैं और मयंक मिल लिए. अरे मैं और मयंक मिल लिए हैं. और पता मैं धर्मशाला से स्पेशली आया हूं. और पता क्या डोंट से स्पेशली, ठीक है? स्पेशल आया हूं. नहीं स्पेशली मैं आया हूं. सुनो, स्पेशल आया हूं. पर पता क्या हुआ? कल रात को मैं गलती से सो गया गाड़ी में. कि मैंने ड्राइव की थी काफी ज्यादा और मैं ना सो गया और मैंने इसको विश करना भूल गया. मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया इस चक्कर में. क्या करते रहे? 12:30 बजे इसका कॉल आया और मैं उठा उस कॉल से. कहते मैं कुछ याद है? मैंने कहा हाँ 11:30 हो रहे. कहते 12:30 और मैंने कहा शिट हो गया. कल एहसास तो नहीं लड़ी मैं. नहीं बिल्कुल नहीं लड़े. मैं नहीं लड़ी. मैं अच्छी बच्ची हूँ. मैं नहीं लड़ी. मैं थका के बिल्कुल सो गया था. ऑलराइट यू गाइस, सो फाइनली मैं भी गिफ्ट लाई हूँ आपके लिए. मैं भी मयंक के लिए गिफ्ट लाई हूँ. हम बाद में दिखाएंगे. खैर मयंक का गिफ्ट आप लोगों ने देख लिया. मयंक ने भी देखा हुआ है. बट सबसे पहले हमें कहीं जाना है. एंड आज हम फाइनली अपना पूरा दिन आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं. Yes, मैंने शाय के लिए सरप्राइज भी एक बार भी लड़की ने मेरी तारीफ नहीं करी. आप अच्छे लग रहे हो. नहीं कि मैं तो सेम कपड़े पहन गया. मेरे ना मैं तो नए कपड़े पहन, नई ज्वेलरी, पूरा मेकअप करके आई हूँ. गाइज ये हमारी ट्रू 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 वाली फ्रेंडशिप है और ट्रू वाला बॉन्ड है. मैं आपको सच बात बता रही हूँ. रात में ना एक्चुअली मयंक दिल्ली में नहीं था. आप दिल्ली में नहीं थे ना लास्ट टाइम गए थे स्काई डाइनिंग पे. ठीक है, लास्ट ईयर हम स्काई डाइनिंग में गए थे जो मयंक ने बुक किया था. वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हमने शूट नहीं किया. बट मैं सोची थी इस बार मैं मयंक को दूं. बट मयंक ने कहा पहले से हमने कर लिया तो ठीक है. बट मैं चाहती थी मैं मयंक को कुछ स्पेशल कुछ. मैंने इसको भी बताया भी नहीं. इसने मेरी मेल चेक कर लिया. तो ना मेरे रात में परिक्रमा है सीपी में एक यू नो 360 डिग्री रोटेट होता है वो रेस्टोरेंट. तो मैं वो बुक करने वाली थी. मैंने उन्हें कॉल भी करके पूछा था कि मुझे एक यू नो कपल के लिए बुक करना है. तो उन्होंने कहा ठीक है ओके मैम. मैंने कहा मैं अगर मॉर्निंग में कंफर्म करूँ तो चलेगा? उन्होंने कहा ठीक है. 11:30 बजे मुझे ऐसे मेल आता है योर यू नो टेबल्स और समथिंग कुछ ऐसे बुकिंग मेरी आईडी खुली हुई थी इसलिए मिस्टर सिंघल बुक्ड करके ऐसे 2 आया मेल. मैंने कहा व्हाट मैं एकदम शॉक में निकली, ये तो मैं बुक करके और ये पिछले आध घंटे से मेरे से इसलिए लड़ रही कि तुम्हें किसने बताया प्लान। और मैं ये पूछ रही हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने को किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि यार वो कैसे हो सकता है कि इसका बहुत मन था। वहाँ मेरा जाने का बहुत दिल था, क्षमा गई थी तो मेरा बहुत दिल था कि मैं उधर एक बार जाऊँ। मैं वो रेस्टोरेंट देखना चाहती थी कि वो रोटेट होता है तो वो पूरा डेली कैसा दिखता है, और मयंक ने वो बुक कर रखा है, मतलब मैं बुक कर रही थी और अच्छा हम दोनों ने बुकिंग नहीं ली। तो मयंक आज मुझे वहाँ पे लंच के लिए लेके जा रहा है, लंच। ये वो तो इतना इत्तेफाक है, आज सारे इत्तेफाक ही क्यों हो रहे हैं हम। वैसे मैं मयंक से थोड़ा सा नाराज हूँ क्योंकि हमेशा की तरह इसने मुझे 3 बजे टाइम देके 4:30 बजे मिल रहा है। हल्का सा नाराज हूँ, ज्यादा नहीं हूँ। उसी की वजह से तुम उसी जगह पे मिली हो, इत्तेफाक है, वो किस्मत कहते हैं इसको, उसी जगह पे। चलो चलो लेट। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले मयंक का गिफ्ट पैक कराने जा रही हूँ। क्यों पैक नहीं कराया था? मैंने भी नहीं कराया, मुझे तो पैकिंग वाला गिफ्ट पसंद है। मैंने नहीं करा, मैंने एज इट इज अभी मैंने खरीदा। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। तारीफ नहीं करता ये लड़का यार, मैं जब से ऐसे देखे जा रहा हूँ इसे। कुछ भी बोलते हो तुम। तो मैं गिफ्ट लेने जा रही हूँ। मैंने हमारे लिए केक ऑर्डर कर दिया था। मैं केक कभी ऑर्डर नहीं करता, ये हमेशा हर साल मेरा है, केक लगाते हैं, इसलिए मैं केक करता ही नहीं। केक का मुझे सोचता ही नहीं होता। गुड गुड गुड। मैं केक उठा लेती हूँ, बाय बाय बाय। वी आर ऑन द वे और हम लेने जा रहे हैं केक, जो कि ऑब्वियसली मेरी तरफ से है मयंक को। मैं कह रहा वो जो बच जाएगा केक वो मैं अपने फ्रेंड्स को खिलाऊंगा। क्यों खिलाओगे अपने फ्रेंड्स को? ये हमेशा ऑर्डर करती है मेरे लिए, तो मेरे दोस्तों के लिए, तो ऐसे मेरे दोस्तों के लिए भी होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैं लेके आता तो तुम कभी लाते नहीं। चश्मा लगा यार, मास्क और चश्मे की दिक्कत होता है। देखो क्या होता है, मयंक बहुत स्मार्ट लग रहा है चश्मे में। भाप जम जाती है चश्मे पे। मेरे पास अच्छा मास्क ही नहीं मिला, तो पर्पल एंड दिस ब्लू एक ऐसा लग रहा आउटफिट, अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू, कितनी बार अपनी तारीफ करवाऊंगी। तो पार्किंग देता हूं इधर लगा के। वाई यार ठीक है, शॉर्ट में एंड देन टुगेदर फॉरएवर। बहुत मुश्किल है कैसे रिक्वेस्ट पे लिख दे, हमने और कुछ लिखाना नहीं है। लिखवा रही हूं मैं, मासा लिख लो। मासा अपना ही मासा 6 इयर्स मासा लिख दो बस। अरे तो टुगेदर को 2 बना के जी छोटा हो जाएगा, फॉरएवर को 4 बना के एवर हो जाएगा। We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around. ठीक है, ये आपको मेरी तरफ से थैंक यू। सैनिटाइजर मार लो। हाँ। उधर रखा है बेचारी, पूरा सैनिटाइजर मार लो। नीचे मारो ना, जहाँ से पकड़ रहे हो, जल्दी करो। मार दिया, हाथ पे सब पकड़ लो अच्छे से और पकड़ो। खुश हो? हाँ। हम लोग सीपी आ चुके हैं। मयंक को मैं अपनी 4 दिन की पूरी कहानी सुना रही हूँ। और अगर बेस्ट फ्रेंड की एग्जांपल दे तो मयंक मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मेरी सारी चीजें सुनता है। एक घंटे तक कहानी सुना रही है अपने 3 दिन की। मैं 3 दिन में मैंने कहा क्या किया, कहाँ गई, किससे बात करी, किसने लड़ाई करी, किससे क्या हुआ, सारी चीजें मैं मयंक को बता रही हूँ। मयंक सुन रहा है, अच्छा। अभी तक मैंने मयंक की थोड़ी सी ही बात सुनी, थोड़ी सी भी नहीं सुनी। सुनिए, मैंने ये मत बोलो ट्रैकिंग वाली बात सुनी थी, तुमने मुझे बताया 10 सेकंड की सुनी। हम बस पहुँचने वाले हैं। कौन से गेट पे? वैसे हम गेट पे नहीं है, हम आउटर। और मयंक मुझे लेके आया है कहाँ पे? सरप्राइज क्या है? सरप्राइज का इसमें मेल पढ़ ली, चिटिंग करती है यार, क्या करूं। सरप्राइज तो पिछली बार था। सरप्राइज पिछले, हाँ सरप्राइज पिछली बार था, वो बहुत तगड़ा था यार। इससे ना पता, ऐसे पता नहीं था कि वो जो वो आपका स्काई डाइनिंग है, तो स्काई डाइनिंग से पता नहीं था कि वो टेबल था एक ओपन में, और ऐसे पता नहीं था वो टेबल उड़ता है, और वो इतनी स्मूथली ऊपर उठता है आपका, यहाँ से ला लो 50 फीट के राउंड ऊपर हवा में उठता है, और आप बस एक सीट बेल्ट से बंधे होते हो कुर्सी पे, और आप बिल्कुल हवा में फ्लोट कर रहे होते हो। इसे पता नहीं था वो चीज होने वाली है। ये वो इतनी स्मूथली उठा, इसने नीचे देखा और डर गई कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा यही तो स्काई डाइनिंग है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है, उसके बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। मुझे ऐसे लगा हम आसमान में कैसे आ गए, ये हम आसमान की ऊंचाइयों में। इतनी स्मूथ था वो, इतना उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं इस बार चाहती थी मैं मयंक को गिफ्ट करूं, मतलब सरप्राइज दूं स्काई डाइनिंग का डिनर, बट बहुत स्पेशल होता है वो। आप स्पेशल वन के साथ जा सकते हो, अपनी फैमिली को भी डेफिनेटली ले जा सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट इट्स ओके, टोटली वर्थ इट। परिक्रमा कौन सा है? वो ऊपर ऊपर सबसे टॉप पे सबसे टॉप पे मैं दिखाती हूँ, सबसे टॉप पे वो हाँ यही है जो दिख रहा है, बिल्कुल ऊपर गोल बना हुआ है हो रहा ऊपर। चलो तो सही है ना, ये सॉरी हाँ तो आप ये करो, ये एड्रेस यही है इसका गाइस, परिक्रमा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट अंतरिक्ष। ओके, आर यू एक्साइटेड मयंक? नहीं मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज, मैंने कल रात 10 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया। हमने केक नहीं काटा, काट लेंगे रुक जाओ। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है वो, सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे। माय गॉड आई एम एक्साइटेड, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टॉप से पता है, सुना है कि पूरा दिल्ली का नजारा अलग अलग दिखता है, बहुत अलग अलग दिखता है। लोकेशंस के नाम मेंशन किए हुए हैं, हम ट्राई करेंगे कि पूरा शूट कर पाए। 25th फ्लोर पे है ना, 24th फ्लोर पे हम ना परिक्रमा में आ चुके हैं। और यहाँ पे ना ऊपर आप अपना मतलब कुछ भी आउटसाइड फूड नहीं ले जा सकते, तो हमने सोचा हम केक पहले काट लेते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारी बुकिंग आधा घंटा तो लेट हो चुकी है, पर अब हम जा रहे हैं केक काटने के लिए। एटलीस्ट हम साल में 500 केक काट लेते हैं। 500 केक नहीं काटते, 10 तो काट लेते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ ओकेजन पे काट ही लेते हैं। ये केक ना मैंने इसमें लिखवाया है सब कुछ। मैं तुम्हें कैसा लगा मेरा केक? दिखा दिया? बहुत प्यारा, मेरे को भूख लग रही है, मैं खा जाऊंगा सारे को। संभाल बिल्कुल। ये देखिए केक, 6 years of togetherness। पर आपको पहले मैं दिखाना चाहती थी, मैं दिखाना चाहती थी टुगेदर फॉरएवर। अनु लो, आजो काटे, एक कैंडल लगाएंगे सिर्फ। मेरे को ना भूख बहुत तेज लग रही है, मैं जल्दी से केक काट के ना आधा खा जाऊंगा, मस्त एकदम। चश्मे में अच्छा लग रहा हूँ बताना यार, या तो मैं हटा दूं इसको यार, पहनना करो। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम लुकिंग डिसेंट। यू लुक डिसेंट रियली। एक दूसरे को झेलने के लिए 6 साल हमें, हमारे लिए तालियां बहुत कम है, फिर ज्यादा होनी चाहिए हमारे लिए तालियां। आप सब भी बजाइए ताली। मैंने 6 साल एक दूसरे को अपने झेल लिया एट लास्ट यार, मैनी मोर टू कम। और झेलोगे अरे जिंदगी भर। चले काटे, मैंने हाथ नहीं लगाना। नहीं जो पहले थोड़ा हमने ना रिबन थोड़ा, एक सेकंड में दिखाती हूँ इसको, जो रिबन को ना साइड कर सकता हूँ मैं। आ जाओ जल्दी पकड़ो, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे। चले चलो लेके आओ। चलो क्या दूँ गिफ्ट? सस्ता था ये लो, एक तुम्हें मिली है कवर। हाँ पर ये तो कैमरा तुमने मेरा रख रखा है। अच्छा ये मेरा ही था, तुम तो बोल रहे अपना सामान क्यों, तुमसे पसंद करा के तुम्हें पहना के देखा था मैंने, बोला ये था वो, तो तुम अभी थोड़ा देने वाली थी मेरे को। वो सरप्राइज था, तुमने तो यार मैंने बोला था। कौन सी? ब्लैक गोल्ड। कैनेथ खोलना समझ गया कौन सी। पानी कौन सा है? पानी वो मेरा और कोकोनट। मैं समझ गया, पर ये तो आप मेरे को अभी देने थोड़ी ना वाले थे। ये तो रणदीप का तो बहुत पसंद है। ये पिछली बार भी मयंक के यही एक्सप्रेशन थे। कौन से एक्सप्रेशन थे? यही कि यार तुम अभी शर्मा जाता है, इतना लड़का, इतना छोटा सा लड़का शर्मा जाता है। इसको पहन के देखो। हाँ हाँ ऑब्वियसली पहन लो, अगर आ रही है तो अभी पहन के चल लो। मेरे को घड़ियों का बहुत शौक है यार। अभी पहनी है तुमने DE टाइटन की हो, टाइटन की ऑक्टेन एडिशन। नाइस, दिस वन इज ब्यूटीफुल यार, ये बहुत ब्यूटीफुल थी, मैंने बहुत दिल से पसंद की थी। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी फ्रेंडशिप सरी मैं बोलूंगी। ये बहुत प्यारा है, ये मैंने पसंद की थी और मुझे बहुत पसंद थी ये घड़ी। मैं देख के इस घड़ी का फैन हूं। अरे तो दिखा तो दो लोगों को। इट्स कैनेथ कोल। नाइस, मुझे इसका रेट भी पता है। कोई बात नहीं, गिफ्ट की कीमत नहीं देखते ना। मैं आपके लिए लेके आऊँ, पर पता नहीं आपको पसंद आया ना। पर आप मेरे से बहुत दिन से लड़ रहे थे, मांग रहे थे, मांग रही थी मेरी, मांगते रहते वो चीज। समझ गई क्या? एक सेकंड। ओके तो मयंक ने अभी ऐसा बोला कि मैं उसकी मांगती रहती हूँ, तो मैं समझ गई हूँ लड़ती रहती हूँ, मांगती रहती हूँ। मैंने क्या मयंक से बोला? बता क्या मांगे करता, बताओ। टन 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 निकालो, मैं बता रही हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये बताओ, मेरे से ना बहुत लड़ती थी ये मेरे से छीनती रहती थी मेरे वाले एयरपॉड्स। एप्पल के एयरपॉड्स मिले मुझे, सो एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, ये मेरे मांगते थे, पर आज के बाद ये मेरे नहीं मांगेगी। मैंने इसकी सील भी खोल चेक नहीं किया। क्यों? चलो खोलो। थैंक यू सो मच मयंक, दिस इज सो गुड। थैंक यू, मुझे इसकी जरूरत थी। ये मेरे यार मेरे पीछे पड़ गई थी एक दिन, तो मेरे लेके भाग भी गई थी। मैं इसे छीन के लाया वापस, मैंने कहा ठीक है इसको दे ही दूंगा मैं। लास्ट ईयर मैं बता देती हूँ, लास्ट ईयर मयंक को एयरपॉड्स गिफ्ट किए थे मैंने। और लास्ट ईयर मयंक ने मुझे माइकल, आज इस बार उल्टा हो गया। मैंने मयंक को मयंक की पसंद की वॉच दिया, मयंक ने मुझे एयरपॉड्स दिए। दिस इज माई न्यू एयरपॉड्स। चले ऊपर, नहीं पहले इसे मेरे फोन में कनेक्ट करो। ऊपर करूंगा बैठ के आराम से, ऊपर करेंगे। ओके बाय। रेड फूड जामा मस्जिद दिस साइड दिल्ली गेट आईजी स्टेडियम। ओके सो इस तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे। बुकिंग कराई थी मयंक ने पहले। बैठो। राइट नाउ वी आर एट राष्ट्रपति भवन की जो लोकेशन है उसके सामने है, और ये रहा राष्ट्रपति भवन आपका, वो रहा राष्ट्रपति भवन। गाइस मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, यहाँ से ये रोटेट हो रहा है हल्का हल्का, सी बहुत ही स्लोली, मतलब ध्यान से नहीं, आप समझ नहीं पाओगे इतना स्लोली। राष्ट्रपति भवन अभी जस्ट यहाँ था, अब यहाँ आ गया। मुझे भूख लग रही है, कुछ भी ऑर्डर कर दो जो अच्छा लगे आपको। लंच पे तो आप लाए हो। Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. हमारा अभी भरवा मशरूम नहीं आया जो मैंने ऑर्डर किया है। मयंक का पास्ता अल्फ्रेडो एंड चिकन क्लब चिकन। क्या हुआ? अब 4 दिन से चीट डे पे ही हो मयंक। अब कल से जिम स्टार्ट होगा तो। अच्छा मशरूम, भरवा मशरूम। Guys, look at the view. रात का व्यू है ये। जल रही है। हाँ कैंडल लाइट डिनर हो रहा है हमारा, कैंडल लाइट डिनर। सेटिंग खोली है, सेटिंग खोलो, उसका कैप खोलो, कैप ब्लूटूथ खोलो, कैप खोलो उसका, एयरपोर्ट का कैप खोलो, और पीछे वाला एक बटन है उसको दबा के रखो। हाँ आ गया, रुक जाओ। अब कनेक्ट का बटन दबाओ उस पर, अब उसके पीछे बटन दबा के रखना। करो इसको पहले, नोट नाउ करो, डन करो। हो गया, कनेक्ट हो गया, बस निकाल के कान में लगा लो। करो, हो कनेक्ट। ट्रेनिंग आवाज आ गई, मुझे लगता नहीं कनेक्ट हुआ। क्या हो गया वैसे? अगर एक भी खो गया तो ये 3-4 हज़ार का आता है। एक बहुत मुश्किल से मिलता है, जुगाड़ तो है स्टाफ के पास, पर बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर खो गया तो क्यों बाहर में 1 लाख हाँ आप गिरा दोगे, पता नहीं चलते कान में। या थोड़े दिन आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे इनसे कि आपको पता नहीं चलेगा आपके कान में लगा या नहीं लगा। थैंक यू सो मच। अब मेरे से नहीं हटा लेना, ये मेरे ना, इनसे नहीं हटा लेना, ये मेरे हैं, तुम्हारे दे दिया। गाइस दिस पास्ता इज सो टेस्टी। मैं पास्ता कैसा है? बहुत टेस्टी है पास्ता, सीरियसली बहुत टेस्टी है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कह रहा हूं 1-2 घंटे बैठ के चलेंगे आराम से। आपके पास ना ऑप्शन है इन दोनों कार्ड्स में से, आपको जो कार्ड अच्छा लग रहा है आप वो उठा सकते हैं। बिल वही देगा। सॉरी गाइज मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ। मतलब मैंने और मयंक फिर डिसाइड किया कि हम ना मतलब बिलिंग के लिए हम दोनों ने अपने कार्ड्स रख लिए, एंड ऑब्वियसली वी आर सेलिब्रेटिंग, तो हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है। तो हम दोनों ने अपने अपने कार्ड्स रखे और हमने बोला कि भैया आपको जो कार्ड अच्छा लग रहा है वो पिक करें। भैया ने मयंक का कार्ड, उनको तो पता ही नहीं था, भैया ने मयंक का कार्ड पिक किया। मयंक का लग गया भट्टा, बढ़ गया बिल करने।